पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। यो गाइस वेलकम, सब लोग का स्वागत है एक नए गेम प्ले में। तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और वाकई में इस गेम में इतने ज़्यादा नेट मार देते हैं कि मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को ये गेम प्ले देख के। स्टार्टिंग में हम माइक तो ऑन करते हैं और दो बंदे में, और जैसे कि आप जानते हैं ट्रिपल एक्स भाई, रॉबिन भाई, हम लोग खेलते हैं, तो होता ये है कि दो बंदे पता नहीं क्या बात करते रहते हैं और उनकी भाषा तो समझ में आती नहीं किस लैंग्वेज में बात करते हैं, और ना वो रिस्पांस करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, बंदे इधर जा रहे थे तो हम लोग भी उतरते हैं, लेकिन बंदे यहाँ से दूर चले जाते हैं और इधर आते नहीं है। तो हम लोग फिर थोड़ा सा लूटपाट करते हैं, और लूटते लूटते भाई को मिल जाती है आपकी गॉड गन, तो भाई खुश हो जाता है। आपको पता ही है कि जैसे स्नाइपर मिलती है मेरे को तो एक दिल में एकदम जान सी आ जाती है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फिर होता क्या है कि जो ये दो बंदे होते हैं वो बहुत दूर कहीं कट लेते मतलब निकल लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं यार, ये अपना खेल रहे हैं तो हम अपना गेम करते हैं, वो अपना गेम करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि रेंडम यार वैसे मिलते नहीं ऐसे बंदे जो सपोर्ट करके खेलें या साथ में खेलें, बट कोई बात नहीं। तो ये देखो यार आपके भाई को यहीं पे मिल जाती है, और सच में मज़ा ही आ जाता है, दिल एकदम खुश हो जाता है। और फिर लेकिन एक दिक्कत हो जाती है यहाँ पे यार, स्कोप नहीं मिलता आपके भाई को, लेकिन कोई बात नहीं, आपके भाई को स्कोप मिले नहीं मिले काम तो चलाना ही है। तो रेड डॉट मिलता है मेरे को, और फैक्ट्री में कुछ बंदे रहते हैं तो एकदम स्पॉट नहीं होते हैं कि बंदे कितने हैं। तो ये वाला शॉट कैसा लगा यार गाइस बताना मेरे को, ठीक है? रेड डॉट से मैंने शॉट लिया था ये वाला, और ये बंदा नॉक होता है गाइस। तो यहाँ पे धीरे धीरे आगे करते हैं, एक बंदा नॉक होता है, उसको बचाने के लिए बंदा ज़रूर आता है उसके साथ वाला। तो पहले तो मुझे लगता है कि शायद दो बंदे हैं, और फिर मैं यहाँ से और एक दो शॉट देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि चलो यार अब तो हो गया, ये कंफर्म हो गया, तो अंदाज़ा हो जाता है, मुझे लगता है शायद दो ही बंदे हैं। तो यहाँ से मैं रोटेट करता हूँ, लेकिन एक और बंदा रहता है जो ट्रिपल एक्स भाई के पास पहुंच जाता है, मतलब अपने रॉबिन भाई के पास पहुंच जाता है उधर से। तो मैं बोलता हूँ चलो अब मुझे कंफर्म तो रहते नहीं है, लेकिन यहाँ से नॉक करता हूँ मैं बंदे को, और मैं बोलता हूँ यार ऐसे पैदल दौड़ने से अच्छा है कि यार बग्गी पड़ी थी तो मैं सीधे बग्गी लेके जाता हूँ उनके पास। और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने बंदे रहते हैं, क्योंकि तीन बंदे तो मेरे को तो लगता है कि पूरी की पूरी टीम है यहाँ पे। तो पहले मैं इधर उधर नज़र डाल लेता हूँ कि उधर तो कोई कैंप नहीं किया, तो फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ इसको ख़त्म करने से अच्छा है कि इसको लेते हैं, और यहीं पे ये पूरी टीम ख़त्म हो जाती है। तो ये तीन ही बंदे रहते हैं, लेकिन यार इन लोगों के पास भी स्कोप रहता नहीं है। फिर हम लोग आगे आते हैं और बग्घी लेके अपन पहुँच जाते हैं अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर बंदे मिल ही जाते हैं अक्सर, और कैंप करके बहुत रखते हैं बंदे। तो यहाँ से हम बोलते हैं चलो कैंपरों को ढूंढते हैं, और फिर जैसे हम लोग स्कूल आते हैं तो एकदम मतलब गेट वेट खुले रहते हैं, सब लूटेड रहता है। तो मैं बताता हूँ कि यार बंदे हो सकते हैं यहाँ पे, हो सकता है कोई कैम्प क्यों, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि बंदे पूरे कैम्प करके रखते हैं, और अपार्टमेंट वगैरह तो मतलब ऐसा हो गया कि एकदम घर जैसा हो गया, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। और छत में हम लोग जैसे जाते हैं तो एक बंदा यहीं पर नज़र आ जाता है, हालांकि उसको शॉट देते हैं, लेकिन भाई किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि बच जाता। तो मैं रुकता बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बोला कि यार तो रुकना नहीं है, हम दोनों एकदम घुसने लगता है। जैसे ही मैं नेट खोलता हूँ यार भाई, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, और बंदा हाँक देता है यार, स्प्रे उसका बिल्कुल सही नहीं रहता, और रॉबिन भाई अपने छोड़ते हैं नहीं बंदों को, तो फिर बस लपेट देते हैं। और हम लोग को इतना तो समझ में आ जाता है कि यार बंदा शायद अकेला है, उसकी टीम है नहीं, तो इसको फिनिश करते हैं। और वैसे ही एक गाड़ी आती है तो लगता है कि शायद इनकी टीम आ गई है, तो हम लोग स्टार्ट होते हैं, लेकिन वहीं से हमारे भी बंदे आ जाते हैं जब देखते हैं कि यार बंदों को इन लोग फोड़म फड़ाई मचाए हुए हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं उधर से, वो लोग पुश करते हैं। लेकिन यार एक दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूँ, जब रैंडम टीम वाले होते हैं ना तो कई बार ऐसा होता है, अब क्या होता है मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। अब यहाँ से चालू होता है भाई बमबारी, ठीक है? अब देखना है आपका भाई कितने नेट मारता है, 6 नेट तो मैं लेके ही चल रहा हूँ। तो यार मैं पहले ही बोल देता हूँ बम फटने से पहले के दो नॉक हैं, और दो बंदे यहाँ पे नॉक हो जाते हैं, एक नेट करता हूँ तो एक बंदा यहाँ से होता है फिनिश। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं बोलता हूँ यार भाई हमारा एक बंदा रॉबिन भाई नॉक हो जाते हैं,
फाइट में। और हम भाई जो रैंडम बंदे आए थे वो भी पता नहीं क्या कर रहे थे, तो भाई वो भी नॉक हो जाता है। और मेरे को लगता है कि यार ये बंदे होते, लेकिन ये वाला ग्लिच यार बहुत गंदा यार, मतलब जैसे ही मैं नेट ओपन करता हूँ तो वैसे ही होता है। मुझे लगता है यार, लगता है रॉबिन भाई अब तो गाली देने वाले मेरे को, लेकिन बच जाते हैं तो मैं इनको फटाफट रिवाइव देता पता नहीं हूँ। क्लास क्या चीज हो रहा है। और रिवाइव देने के बाद फिर से अपना जो पुराना बचा हुआ था वो चालू हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही नेट बचते हैं मेरे पास, और रॉबिन भाई मेरे को और नेट दे देते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। क्योंकि हालांकि बहुत मज़ा आता है मेरे को नेट करने में, और नेट वाले शॉर्ट्स तो आप लोग देखे होंगे, और मैं एक पूरा एक मॉन्टेज बनाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ मैं नेट किया हूँ मैं, और नेट से कैसे कैसे गंदे गंदे नेट पड़े हैं ये देखो। तो यार नेट यहाँ पे रुकते ही नहीं मेरे को, क्योंकि 6 नेट थे, 4 नेट और मिल जाते हैं, और सामने वाली टीम बोलती है यार पता नहीं कि ये भाई बंदे गोली रखें, गन रखें कि नहीं रखें, लेकिन नेट भाई सच में, पूरा सर्वर अगर देख रहा होगा ना तो उनको पता चल रहा होगा कि भाई ये बंदा सिर्फ नेट से मार रहा है। तो यहाँ से यार कॉल मेरी थोड़ी सी गलत हो जाती है, यहाँ पे नॉक होता है मेरे को, उनको ये बताना रहा कि भाई बंदा वहाँ पे फिनिश किया मैं, लेकिन उनको लगता है शायद नॉक हो गया है, तो ऑलरेडी वहाँ पे पूरे नॉक थे। तो भाई रॉबिन भाई जाते हैं, और मैं बिना सोचे समझा हालांकि कि मैं जम करके जाता हूँ, लेकिन वो बंदा भाई कूद ही जाता है। मतलब 100% कॉन्फिडेंट लेवल लेके जाता हूँ कि यार बंदा अगर विंडो में दिखेगा ना तो बचेगा नहीं, लेकिन ये देखो यार नेट मतलब रुकते ही नहीं है, मेरे नेट इतने होते हैं ना कि रुकते ही नहीं है, मतलब इतने नेट यार, इतने नेट। और मेरे साथ वाला जो था टीम वाले वो लोग भी पता नहीं नेट लाते हैं, तो मेरे को देख के वो लोग भी नेट फेंकने लगते हैं। और यहाँ पे क्या सीन देखो, अब सीन देखना यहाँ पे जब टीम खत्म होती है, ये बंदा नॉक होता है तो मुझे पता रहता है कि इसका बंदा हो ना हो आसपास जरूर होगा, और ये दोनों बंदे घुस जाते हैं। और ऐसा लगता है गाइस कि इस गेम में यार मेरे को सिर्फ ये दोनों को रिवाइव के अलावा कोई काम नहीं रहता, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं होता कि जिनको मैं रिवाइव देता हूँ, और देखना है उनको रिवाइव दे के मैं ऊपर आता हूँ और वो बंदे फिर से नेट से फट जाते हैं। भाई एक बंदा एक ही नेट से फिर से मार देता है, और वो हीलिंग भी नहीं करते हैं, बस वो लूट में लग जाते हैं वहाँ पे। तो मैं तुरंत स्मोक वगैरह डालता हूँ कि पता नहीं, एक तो इनकी आवाज़ आती नहीं, तो मैं इनको म्यूट करके रखता हूँ, क्योंकि ये लोग पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या बातें कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं ना रिप्लाई कर रहे थे। तो खैर थोड़ा इंसानियत तो बनती है, फ़र्ज़ बनता है अपना कि इनको बचाने का, तो मैं बचाता हूँ। और फिर उसके बाद यार लेकिन यहाँ पे बंदों की कमी नहीं होती, ये वाली टीम ख़त्म होती है, एक टीम और राइट में जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा अकेला है। ये अब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से आ गया, स्कूल से भी शॉट्स चलते रहते हैं, स्कूल में भी एक टीम रहती है, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता कि कितने बंदे, लेकिन यहाँ पे फुट स्टेप जरूर आता है कि 2 बंदे हैं। तो बस मैं वेट करता हूँ कि बस यार मतलब थोड़ा सा तो हिंट मिल जाए, पता चल जाए कि बंदे कितने हैं कहाँ पे हैं, क्योंकि लोकेशन पता नहीं चलती, और अपन जब ऐसे ही घुस जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यार यहाँ से एक बंदा ना निकलने की कोशिश करता है कि बोले निकलते हैं, लेकिन यार उसको गाड़ी से उतार के ना मैं बोले यार फिनिश ही करना सही रहेगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो मैं सोलो ही था, क्योंकि ये 2 बंदों का कोई पता पता चल नहीं रहा था मेरे को। और तो मैं बस आगे बढ़ता हूँ जैसे उसको ख़त्म करता हूँ, और मुझे यहाँ से अंदाज़ा लगता है कि शायद एक नहीं है 2 बंदे हैं। तो यहाँ पे हिट क्या होती है देखो, जब अपने साथ वाले बंदे होते हैं ना तो क्या होता है, और जब रैंडम बंदे होते हैं तो क्या होता है देखो। तो जैसे ही यहाँ से मैं नेट खोलता हूँ और देखना क्या होता है, ये नेट मैं फेंकता हूँ और मेरे ऊपर एक नेट फेंकता है, और मेरा बंदा ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा था मुझे, लेकिन खैर मुझे तुरंत रिवाइव देता है। और ये बंदे उधर फाइट रहते हैं, मेरे ऊपर 2 बंदे रहते हैं, उनको छोड़ के मैं बोला यार ये खिड़की में कन्फर्म रहता है मेरे को, तो मैं पहले उसी को नेट डालता हूँ। और मैंने बोला था ना इस बार नेट बहुत होने वाले हैं, मतलब यार सच में यार। और जैसे कि मैं बोला कि यार ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ बचाने का काम रहता है मेरा, और नीचे वाला बंदा जाता है, पता नहीं नीचे एक बंदा रहता है वो उस बंदे के लिए दौड़ता है, लेकिन वो पता नहीं कैसे नॉक हो जाता है वहाँ पे। एक बंदा बचा रहता है और इसको भी मैं फिनिश करता हूँ, तो ये पूरी टीम मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। उसके बाद वो बंदा भाई उसको बचाने जाता है, लेकिन मालूम नहीं करता क्या रहता है, दोनों क्या करते हैं क्या बात करते हैं, क्या लूट कर रहा था उसको बचा रहा था, लेकिन जून इतना काटना स्टार्ट कर दिया था ना कि मुश्किल हो गया था। और गाड़ी लेके बस हम लोग निकल जाते, और गाड़ी मेरे को ही चलानी थी, तो ये यहाँ पे दिक्कत हो गई थी कि मैं भरोसा भी नहीं कर सकता था। तो यार गाइज अगर मज़ा आया हो यार नेट देख के, तो यार लाइक का बटन जरूर दबाना, और जरूर शेयर कर देना यार सब लोग यार चैनल को, और
गिव अवे चल रहा है गाइस, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। गिव अवे हमारे यहाँ चैनल में कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या सीन बनता है ये देखने यार, यहाँ से हम लोग जाते हैं और ये सीन हमेशा मेरे को बहुत गंदा लगता है जब हम दो रहते हैं और पूरी टीम आती है वहाँ से। तो यहाँ से यार टीम से सपोर्ट बहुत कम हो जाता है, हालांकि दो बंदे को तो इनको मैं ले जाता हूँ, लेकिन वही होता है जिसका डर रहता है मेरे को, तो दो बंदे को मैं लपेटता हूँ, लेकिन बाकी की जो दो बंदे रहते हैं उसमें से एक बहुत कम हो जाता है, लेकिन यार जो फोर्थ बंदा रहता है वो मेरे को ले जाता है। तो यार गाइस कैसा लगा यार गेम प्ले जरूर बताना, लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना यार, और शेयर कर देना चैनल को। तो चलो चलते हैं यार गाइस, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।